नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लेकिन मैं शर्म से मेरा जो सिर झुक रहा है, मैं कह रहा हूं हमारे महात्मा गांधी के भारत देश युद्ध विराम के प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। शर्म करो, खूनियों के साथ देने वाला मोदी सरकार, शर्म करो। मोदी सरकार शर्म करो। आज इस चौक पर फिलिस्तीन मुस्लिम आबादी वाला देश है, जो राजनीति और देश में लोग चला रहा है कि मुसलमानों को खत्म करो। जो सावरकर जिन्होंने सबसे पहले वो नींव डाला था इस देश के दिमाग में, वो जो पॉइसन लगाया था कि देश एक नहीं हो सकता, दो टुकड़ा होना चाहिए, जो टू नेशन थियरी का जिन्होंने शुरू की, वो सावरकर उसी दिन बोले कि जिस प्रकार इसराइल अरबों को अपना ठिकाना दिखा रहा है, उनका कत्लेआम कर रहा है, उसी प्रकार हम कभी उसे सीखना चाहिए, सावरकर कहना है। तो सावरकर वाले नीति से उनका जो चल रहा है, और हमें यह भी समझना चाहिए कि कौन है इस भारत और फिलिस्तीन की दोस्ती का नींव डालने वाला। महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जो मैं लंबा इस पूरे कहानी में नहीं बताऊंगा, हमको बहुत बार अलग अलग जगहों पर मीटिंग लेना है, सभी धर्म और समाज के लोगों को ये समझाना है। और वैसे ही बहुत बड़ा एक युद्ध विरोधी, इसराइल अमेरिकन युद्ध विरोधी, फिलिस्तीन के साथ एक झूठ दिखाने वाला एक बहुत बड़ा मुहिम हमको आने वाले दिनों में करना है। पुलिस स्टेशन में गया था हमारे कॉमरेड मुकेश शर्मा, और मुकेश शर्मा पुलिस स्टेशन में गया, मैं उसके साथ गया था, तो बहुत उठारा बिठारा बहुत किया। आफ्टर उन्होंने लिख के दिया पेपर में, मतलब सह मार के दिया। कल के दिन कोई ऑनलाइन में कोई बीजेपी वालों का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम कोई आतंकवादियों के पक्ष लड़े, हम कोई आतंकवादियों का पक्ष लेने वाले लगता है क्या आपको? हम इंसानियत के पक्ष के, मौलाना जी यहाँ पर बताया, हम इंसानियत के पक्ष के लोग हैं। और पुलिस फिर से बुलाया इनको, पूछा क्यों कर रहे हैं, तो बहुत दूर वहां पर चल रहा है, इधर क्यों कर रहा है? उन्होंने बताया कि वो इतना दूर नहीं है, आप जितना चाहता है दिल से हमारा करीब है, महात्मा गांधी के जमाने से हमारा फिलिस्तीन का भाईचारा है। वो बोले तुम क्या चाहते? तो बोले कि भारत सरकार अपना रवैया बदलना है। तो कलेक्टर को लिखे ले लो। शर्मा जी ने अपना अंदाज से जवाब दिया कि वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो हम वो भी करेंगे और ये भी करेंगे। हम जो है कि हमारे वसई के सर्व धर्म सर्व समाज के लोगों को समझाएंगे। ये जैसा बीजेपी वाला कहते हैं कोई धर्म का मामला नहीं है, जो वहां पर मर रहा है उस पर फिलिस्तीनी जू भी है, वहां पर मर रहा है फिलिस्तीनी ईसाई भी है, वहां पर मरने में फिलिस्तीनी भी है, जैसा मरने का सभी का यही माई बाप है और सभी एक ही को है, एक ही जो काम के हम सब है। तो इसलिए दोस्तों ये बताने के लिए कि ये रवैया बदलना है, उस रवैया बदलने के लिए भारत देश के जनता अपने जमीन से इसके दबाव को आगे ले आना चाहिए। और ये जो कत्लेआम करने वाले इसराइल और उसके साथ देने वाला, अरे अब इसराइल को ज्यादा मत बोलिएगा, इसराइल नहीं कर रहा है, ये कर रहा है अमेरिका, ये कर रहा है अमेरिका। और इसराइल को इस बच्चे, अरे देखिए कि किस तरह की झूठ बोल रहा है जो बाइडन बोल रहा है कि जो मौत के आंकड़े गाजा से निकल रहा है उस पर मेरे को शक है, बोल रहा है बूढ़ा जो बाइडन, इंसानियत नहीं ये टच किया उसको। फिलिस्तीन की अथॉरिटी ने पूरा लिस्ट निकाल के बताया, ये हमारा लिस्ट 7,000 लोगों का, तुम अभी देख के बताओ इसमें से कोई जिंदा है क्या? ऐसे झूठे लोग, ऐसे खूनी लोग अमेरिका को चला रहा है। और पहले ही दिन क्या किया, अमेरिका के सबसे बड़ा वारशिप को ले आकर मेडिटेरेनियन जो समुद्र में ले आया, अमेरिका के शिप वहां पर चारों तरफ खड़ा है। हमको हमेशा बोलता है कि नाकाबंदी नाकाबंदी घेराबंदी, तो एक बाजू में समुद्र है, उस समंदर में अमेरिका की शिप है जिसके ऊपर सैकड़ों से वॉर फाइटर प्लेन्स को खड़ा किया है। अमेरिका चारों तरफ खड़ा है और बोले तुम बॉम्ब करो। और ये जो लोग, एक ही बात पर कहना चाहता हूं कि ये जो ज़ियोनिज्म का इसराइल का पक्ष के बोलने वाले लोग ये कहते हैं कि वो लोग नाज़ी के
समय पर कितना उन्होंने छेड़ा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गया, गैस चैम्बर में मरा, ऐसे ये यहूदियों को एक जमीन, अरे वो जमीन जो लोग रहते हैं वहां पर हजारों सालों से, उस पर कब्जा करके उस जमीन पे ही तुम बसो, ये बोलने वाला कौन था? ये बोलने वाला ब्रिटेन, साथ देने वाला जिस दिन इसराइल गैर कानूनी तरीके से खुद को ये डिक्लेयर किया देश, कुछ ही घंटों में हैरी ट्रूमैन ने उसको मान्यता दी। तो ये अमेरिकन साम्राज्यवाद का बनाया चीज है। और यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव लाया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी की तरफ से, बाकी अरब नेशंस की तरफ से एक प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव का तात्पर्य यह था कि तुरंत वहां पर सीज फायर, युद्ध विराम जो है कि जंग बंद करना, ये प्रस्ताव का स्वरूप था। और बोले कि जो फिलिस्तीन के मामले हैं पुराने संघ राष्ट्र के, जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन है पुराने, उसमें मैं जाता नहीं हूँ, 67 के ग्रीन लाइन उस सब किस्से में नहीं जा रहा हूँ, उसके तहत तो चर्चा करके इसको समाप्त करना चाहिए, जंग तुरंत बंद करना चाहिए। जो 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 जो मर रहा है रोज, 500,000 जो मर रहा है, ये बंद होना चाहिए। और जो नाक जो घेराबंदी जो लगाया है वहां पर, ना पानी है ना बिजली है, जो ना अस्पताल में जो दवा है, कुछ नहीं है, वहां पर एड पहुंचाने के लिए युद्ध को रोकना चाहिए, सीज फायर। तो यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली का कानून ऐसा है कि कोई भी प्रस्ताव वहां पर पारित होना है वहां पर 2/3 बहुमत चाहिए। जो वहां पर मौजूद है उसमें से 2/3 देशों की नुमाइंदा उनका समर्थन में जाना चाहिए। तो बहुत बड़ा खेल है, 179 की हाजिरी थी, तो माने 120 लोगों के जो वोट मिलता है तो रेजोल्यूशन पास होगा। जो दुनिया का सबसे बलशाली, जिसके पास सबसे जास्ती हथियार है, और जो डिफेंस बजट अमेरिका का, उसके बाद के डिफेंस बजट वाले 9 देशों का सब इकट्ठा करेगा, उससे डबल डिफेंस बजट जो देश का है वो अमेरिका। और वो दुनिया में जितने पेपर छप रहा है, जितने टीवी चल रहा है, उन सबको न्यूज के नाम पर झूठ देने वाला अमेरिका, दुनिया को अपने कब्जे में रखने वाला अमेरिका, जो हर देश के पैसे वाले अपना बच्चों को जहां भेजना चाहता है, जहां रहना चाहता है, ऐसे अमेरिका, ऐसा अमेरिका का वो बाजू में जो 179 में 100 से जास्ती तो अमेरिका का साथ जाएगा ही, ऐसा उम्मीद है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, अरब देश, बाकी देशों ने जिस प्रकार बाकी देशों को समझाया क्या चल रहा है गजा में, क्या चल रहा है फिलिस्तीन में, क्या इतिहास है, एक 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 करके एक एक देश बोला कि ये युद्ध विराम होना चाहिए, गाजा को मदद पहुंचना चाहिए। ऐसे एक एक करके 120 लोगों ने वोट किया और प्रस्ताव पास हो गया कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितना चाहिए था उतना मिला। कितने लोग इसके विरोध में वोट की? 14 देशों के नुमाइंदा उसके विरोध में वोट की, और उस 14 में इसराइल तो था, उसमें अमेरिका था, उसमें ब्रिटेन था, लेकिन ऐसे कुछ देश, फ्रांस, बेल्जियम जैसे यूरोप के जो देश जो हमेशा उनका साथ देता है, वो लोग उसका साथ नहीं दिया। तो भूटान छोटा सा देश, इतना छोटा सा देश, अमेरिका मिलकर फू करेगा तो उठ के आने वाला भूटान, वोट किया युद्ध विराम होना चाहिए अमेरिका के खिलाफ, फिलिस्तीन के साथ वोट किया। लेकिन मैं शर्म से मेरा जो सिर झुक रहा है, मैं कह रहा हूं हमारे महात्मा गांधी के भारत देश युद्ध विराम के प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी शर्म करो, खूनियों के साथ देने वाला मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो। आज इस चौक पे हम खड़े हैं, आज मणिपुर तक जाके हम ये जो जुलूस निकाल के इसलिए आए कि दुनिया को बताने के लिए भारत मोदी का साथ नहीं, भारत है फिलिस्तीन में मरने वाले बच्चों को जिनका जान बाकी है उनका जान बचाने के लिए जो चल रहा है प्रयास, उस प्रयास के साथ हम हैं। भारत के जनता उन 120 देशों के साथ है जो परसों के दिन बताया युद्ध विराम होना चाहिए। भारत के जनता इस देश के सरकार के साथ नहीं है जो खूनियों का जूता चाटता है, अमेरिकन
साम्राज्यवाद और इसराइल के जो सामने कुत्ता टेकने वाला, ये बताने के लिए इस जिस चौक पे हम आज है। और हम आज इसलिए भी है कि आज अभी मौका बहुत होगा। सवाल आया कि मैंने सुन रहा था कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शनिवार के सुबह ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने जो यूएनओ के मंच पे ही वीडियो में चल दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन कीजिए, चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कीजिए, हमें आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। अभी के लिए इतना ही। अपने चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।